आज हो रही है महापंचायत किसानों की और राकेश टिकैत मंच पर पहुंच चुके हैं, संबोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं जरा आपको सुनवाते हैं। वहां पर छोड़ कर आए पूरा संयुक्त मोर्चा दिल्ली के चारों तरफ है, हम घर नहीं जाएंगे। मुजफ्फरनगर में भी आए, संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में इस मैदान में आए, इस मैदान से बाहर मुजफ्फरनगर की जमीन पर पैर नहीं रखेंगे। यहाँ पे मुजफ्फरनगर की जमीन पर हम पैर नहीं रखेंगे, हम गाड़ी से यहाँ से वापसी जाएंगे। जब ये आंदोलन फतेह होगा, इस किसान और देश के जवान की जीत होगी, जब ही हम यहाँ पाएंगे। अत्याचार बहुत है, यहाँ पे पुलिस फोर्स के लोग भी होंगे, यहाँ पे पुलिस फोर्स के लोग हैं, उनकी सैलरी 25,000 और 30,000 रुपए है, ड्यूटी में 24 घंटे देंगे। मास्टर का प्राइमरी का टीचर है, उससे आधी सैलरी उनकी होगी। वे आवाज नहीं उठा सकते, उनकी आवाज को दबाया जाता है। उनका जो क्वार्टर है वो 500-600 फीट में है, उनके क्वार्टर बड़े बड़े, उनकी सैलरी भी टीचर के बराबर उनकी सैलरी हो। वे ड्यूटी देते हैं 24 घंटे। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी पेंशन खत्म करोगे। एमपी एमएलए की पेंशन लोगे दो तीन दिन, कर्मचारियों की पेंशन खत्म करोगे, आप देश में प्राइवेटाइजेशन करोगे तो रोजगार खत्म होंगे। हमारी समझ में एक बात नहीं आई, जो बड़ी बड़ी कंपनी 67,000 और 1,00,000 करोड़ रुपया सरकार का लेकर भाग जाती है, उन्हीं को फिर बड़े बड़े संस्थाएं बेच रहे हैं, वो पैसा कहां जा रहा है? अगर पूरे हमारे संस्थाओं के रेलवे बिक्री है, रेल के 4.5 लाख कर्मचारी बेरोजगार होंगे। मैंने जो सफाई कर्मचारी है उनका बातचीत करी, रेलवे के या किसी भी नगर पालिका के हो, 5 और 6 हजार रूपये में सफाई कर्मचारी धार्मिक समाज के लोग नौकरी करेंगे। अगर ठेका पड़ता होगी तो रोजगार जाएंगे। अगर प्राइवेट कंपनी के हाथ में ये कंपनियां जाएंगी, इस तरह से रेलवे गई 4.5 लाख कर्मचारी बेरोजगार होंगे।